नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, राग भोपाली की विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। राग भोपाली में, जैसे कि आपने देखा ही है मेरी म्यूजिक क्लास में, कि राग का वादी संवादी ठाट स्वर मैंने सब मैं आपको बता चुका हूँ सब चीज़, तो वैसी ही ये विशेषताएं, जैसे विशेषताएं ये राग भोपाली कल्याण ठाट का राग माना गया है। जाति ओड़व ओड़व है, वादी स्वर गाओ संवादी स्वर धा है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पैर माना गया है। इस राग में मा और नी स्वर वर्जित है, यानी कि नहीं गाए जाते। तो राग की विशेषता ये है कि आप इसको तीनों सप्तक में अच्छे से गा सकते हैं, मंद्र मध्यम तार सप्तक में बहुत सुंदर लगता है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, राग भोपाली जो हम लोग नाम जानते हैं राग भोपाली को हिंदुस्तान में, भारत में राग, तो वहीं साउथ में इस राग को मोहन राग भी कहा जाता है। राग भोपाली आप कभी नर्वस मत हो जाइए, कभी कोई बोले कि साउथ का इंसान के भैया ये मोहन राग है, तो मोहन राग भी कहा जाता है और भोपाली राग तो बेसिक नाम है, बहुत प्रचलित नाम है राग भोपाली। थोड़े से मतभेद भी माने गए हैं, जैसे कि साउथ में किसी और तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और भारत में किसी और तरीके से। हम लोग गाते हैं राग भोपाली सा रे गा पा, वहाँ पे गाया जाता है सा ध प प ग प ध रे सा, डिफरेंट है वही स्वर, सब स्वर वही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट इसको बनाया जाता है। और थोड़ा सा और विशेषताएं मैं थोड़ा सा लेके चलूं, तो जैसे कि हम लोग गाते इसमें गा गा और प, थोड़ा सा हिलने वाला काम होता है इसके अंदर। आप कहेंगे कि गा और धा का होना चाहिए क्योंकि वादी संवादी स्वर में ज्यादा है, तो ये सुंदरता बढ़ाने के लिए पा इसमें ज्यादा यूज कर लिया जाता है। और बेसिक जो चलन है इसका, जो बेसिक जो मान्यता प्राप्त जिस चलन को, वो चलन कुछ इस तरह से आता है सा सा रे गा पा, इसका चलन थोड़ा सा अलग सा माना गया। अब बात विशेषता एक ही जुड़ गई है तो आपको ये कई सारी चीजों में सुनाई देता होगा कि इसमें बंदिश या इसमें सीमा नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि तीनों सप्तक में किस तरह से आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक समझदारी भरा एक बहुत सुंदर सा राग है जिसे आप सब अपने अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये इतना स्वतंत्र राग है कि इसमें आप भजन फिल्मी गीत वगैरह कुछ भी अपने तरीके से गा सकते हैं। अब जैसे कि मैं बेसिक इसका हिस्सा बताता हूँ, बेसिक हिस्सा कैसे आएगा, बेसिक राग भोपाली में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं गा रहा हूँ स्वर के ऊपर भी और थोड़ा हारमोनियम के ऊपर भी। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये दूसरे काले से सुना रहा हूँ, डी शार्प में से, और बहुत अच्छा तरीका आएगा इसका, देखिएगा। बेसिक तरीका कैसा रहना चाहिए, सा सा जो लगाएंगे सांस भर के सॉफ्टनेस में लगाइए, लाउड मत लीजिएगा। लाउड कहां पे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सा ध सा ध सा रे गा पा गा धा सा सा धा गे गा रे सा रे धा सा रे गा रे पा गा। देखिए वही तरीका आ रहा है, गा रे रे से सीधा पा, धा भी आना चाहिए मगर पा सुंदर लगेगा, सुंदरता की तरफ गा रे पा गा।
गारे सारे ध सारे गा गा पाए धा सा का जो साउंड है ना वो क्लियर आना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जोर लगना चाहिए, सा का क्लियरिटी कैसा है। ग प ध सा सा का साउंड होना चाहिए। ग प ध सा रे सा ग प ग प ध प ग रे सा रे ध रे सा। अब इसके अंदर मैं आपको एक सुनी वही एक चीज सुनाता हूँ जे मैंने उत्तराखंड में मैंने फ्लूट पे सुनी थी, तो मैंने एक भजन में मैंने जोड़ दिया इसको और मुझे अच्छा लगा, मगर इसकी लय बहुत अच्छी थी। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उत्तराखंड में कैसे एक चरवाहे ने फ्लूट के ऊपर कहा फ्लूट पे ये धुन बजा रहा था राग भोपाली की, बहुत अच्छी है। राग भोपाली में बात जरा खास चल रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राग भोपाली में आप भजन में भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि गणेश वंदना है, हनुमान चालीसा है, किसी में भी आप गा सकते हैं। जैसे गणेश वंदना, अगर आप गणेश वंदना हम कैसे गाते हैं जरा टाइमिंग के ऊपर और तरीके से गाने के ऊपर आप जरा गौर दीजिएगा। गणेश वंदना हम गाते कैसे हैं, इस तरह से गाते हैं, देखिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो वहीं आप भोपाली राग में किस तरह से गा सकते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा।